हाँ जी देखिए, तो कंस्ट्रेंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके पहले अपन कंस्ट्रेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट की पूरी ट्रिक्स भी पढ़ चुके हैं। अब ये मल्टीपुल्ली सिस्टम का एग्जांपल है, तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। कंस्ट्रेंट की फर्स्ट मेथड है Tx cos थीटा इज इक्वल टू 0, उसी को हम लिख सकते हैं टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, cos थीटा इज इक्वल टू 0, व्हिच इज नोन एज वर्क मेथड, ठीक है। ये पहली मेथड है कंस्ट्रेंट को सॉल्व करने की। दूसरी मेथड क्या है, लेंथ कांस्टेंट मेथड, जिसको मैं अभी यूज करने वाला हूं। इसको भी अपन यूज कर सकते हैं, काफी प्रैक्टिस में आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है। लेंथ कांस्टेंट मेथड तब यूज करिए जब मल्टीपल पुल्लीज हो। मल्टीपल पुल्लीज में क्या होता है, ज्यादा बेटर मेथड होती है कौन सी, लेंथ कांस्टेंट मेथड। तो पहली ट्रिक, दूसरी ट्रिक, तीसरी ट्रिक, ठीक है। तीसरी ट्रिक क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन मेथड। वैसे तो एक फोर्थ मेथड भी होती है, हालांकि थर्ड और फोर्थ लगभग ही जैसी हैं, लेकिन इतनी सारी मेथड मत करिए, आपको आपका जो काम है एक दो मेथड से ही चल जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड होती है ये और ये, ठीक है। अब हमको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन सा ब्लॉक किधर एक्सेलरेट कर रहा है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना, ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या निकालना, रिलेशन। हाँ जी, तो एक्सेलरेशन में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो मैं लिखिए, सब लोग लिखिए, नोट करिए, हाँ लिखिए, लेंथ कांस्टेंट मेथड। आई एम गोइंग टू यूज लेंथ कांस्टेंट मेथड, जल्दी क्विक। लेंथ कांस्टेंट मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, पूरे सिस्टम की लेंथ को आप कांस्टेंट मान लीजिए। सपोज करिए लेंथ ऑफ द होल सिस्टम, होल सिस्टम, रस्सी, स्प्रिंग्स, पुल्ली, स्प्रिंग्स, क्लियर है, कांस्टेंट मान लीजिए। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, ये पुल्ली का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर पॉइंट है। सपोज करिए, बताया था पहले, ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए या लेंथ मान लीजिए x1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या लेंथ क्या मान लिया हमने, x1, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद समझेंगे, इस पुल्ली, ये तीनों पुल्ली भी है सेम साइज की है ना, तो फिगर सही नहीं बना है, ठीक है भाई। फिगर कैसे सही बनाओ यहां, सबका फिगर अलग अलग होता है। हाँ, x2 दिख रहा है, समझ आ रहा है, अगेन x2, समझो, अगेन x2 कुछ है, कार्तिक आ गया आपको ऑनलाइन, लेफ्ट हो गया क्या, हाँ चलिए, क्लियर हो गया ये x2, ये भी x2 लिया मैंने, ये भी x2, सिर्फ ये x1 है, ये समझ आया कि नहीं आया, जल्दी नोट करो, नहीं आया क्या, यही गलती होती है, यही गलती होगी भैया, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। यहां गलती की है तो कहानी खत्म, बाकी तो नॉर्मल चीज है। हाँ, अब आते हैं टेंशन पे, टेंशन, लेकिन टेंशन नहीं लेना है भाई, प्रणेश तुम्हारे मुंह में ही टेंशन है, हाँ ध्यान दो, तो वजह का सकल चेंज करो, हमेशा दुखी रहते हो, है जैसे कोई खूब सोटा है अकेले मिले जाके, हाँ समझो जल। तो ये आपको बताया है कंसेप्ट कि रस्सी सेम है, रस्सी कॉमन है, तो टेंशन चेंज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ टी है, दिख रहा है, तो यहाँ भी टी होगा, इस रस्सी में भी टी होगा, ठीक। और यही रस्सी लपटी हुई है, इससे लपटी है अमन गुप्ता, तुमसे नहीं, पुल्ली से, गिरनी से, तो यहाँ भी टी होगा, होगा, और ये टेंशन भी टी होगा, मतलब पूरे पुल्ली सिस्टम में टेंशन टी होगा। ये पहले अच्छे से बनाओ,
देखिए बस नहीं समझिए भैया। हाँ देखिए, अब अपने को क्या करना है, हमने ले लिया x1 ले लिया, दिस इज x1, दिख रहा है ये x1 है, यहां तक डिस्प्लेसमेंट स्मॉल m ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया x1, फिर ये क्या लिया x2 फिर x2। उसके बाद रस्सी को ध्यान से देखो, यहां भी थोड़ा सा रस्सी है पुल्ली में, इसको x3 ले लिया, यहां भी रस्सी लिपटी हुई है, घूमी हुई है x4, यहां भी है x5। वैसे नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो जीरो हो जाना है, बता रहा हूं ये तो जीरो हो जाना है। पढ़ाया था जब फर्स्ट डे मैंने कंस्ट्रेंट पुल्ली पढ़ाया था तो बताया था आपको, ठीक है। अब टोटल लेंथ जोड़ दीजिए, लिखिए टोटल लेंथ l इज इक्वल टू x1 प्लस 3x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये ना x5 भी है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ ठीक, 3x2 कैसे हो गया, ये x2 ये रस्सी की लंबाई x डिस्प्लेसमेंट x2 x1 x3 x4 x5 बोलो क्लियर हुआ क्या सब, ये कर लिया तो जेई एडवांस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, जेई नीट में आता नहीं है, पुल्ली स्प्रिंग्स ज्यादा नीट में नहीं आते हैं, कंस्ट्रेंट वाले कंस्ट्रेंट केसेस नीट में नहीं आता है, तो नीट वालों को ज्यादा टेंशन है भी नहीं, वहां एक पुल्ली सिस्टम ही आता है, जेई एडवांस में कई पुल्ली आएंगे, पुल्ली देख के डरना नहीं है भैया, डर गया तो मर गया, पुल्ली सिस्टम और इजी होता है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस इतना करोगे उतना पुल्ली सिस्टम अच्छा होगा। हाँ जी ये क्लियर हो गया, अब हमने सारी लेंथ को जोड़ दिया, अब इसमें आपको ये देखना है कौन कौन सी लेंथ कांस्टेंट है, कौन कौन सी, x3 x4 x5 फिक्स, क्योंकि वो घिरनी के ऊपर लिपटी हुई है, लिखो साइड में लिखो x3 x4 x5 आर कांस्टेंट लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, लेंथ लिखो डिस्प्लेसमेंट लिखो डिस्टेंस लिखो डजंट मैटर, तुम तो धोखे बाज को बना करके भूल जाओ। प्रणेश अब आप सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में लिखिए dl/dt dx1/dt dx2/dt dx3/dt dx4/dt dx5/dt क्लियर हो गया, क्या सब नहीं आया, डिफरेंशिएट करने वेलोसिटी आएगा ना, सुनो इतना टाइम वेस्ट नहीं करने का, सीधे डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में एक्सेलरेशन फैलने का, अरे कैसे कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे अवकलन करोगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और हमको तो एक्सेलरेशन निकालना होता है, कई बार वेलोसिटी पूछ देगा भाई, वेलोसिटी निकाल देना, हाँ तो गया ठीक, 0 0 0 0 0 क्यों हो गया, जो जिनका पहला प्रेम है लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज जीरो, जिनका कई सारा प्रेम हो चुका है अकेले मिलना फिर क्लियर, अब हाँ भाई ठीक है, इतने बार पढ़ाने के बाद भी नहीं बन रहा है, यदि ठीक हाँ क्लियर है तो बोलो, वी बन आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो होएगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो कांस्टेंट रहती है, मेथड का नाम ही है टोटल लेंथ कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, ऐसे मत देखो समझो, हाँ बोलो, ऐसे देखते हो तो घबराहट लगती है, और अमित हाँ गोरेलाल
हाँ क्लियर हो गया, क्या हंस रही हो? हाँ तो ये जीरो हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, v1 प्लस v2 3v2 आ गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा, आ गया a2 is equal to 3 a2 लिया, a1 प्लस 3 a2 is equal to 0। बोलो ना समझ गए हैं? बोलो भाई लोग, क्लियर है? चलिए तो ये हो गया, एक कंस्ट्रेंट आ गया। इसके बाद तो अपन खेल सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो खाली इक्वेशन बनाना है। अरे बोलो क्लियर हो गया? ट्रांसपोज कर दो तो a1 इक्वल टू माइनस 3a2 आएगा, a1 इज इक्वल टू माइनस 3a2। समझ गया? ये आ गया कंस्ट्रेंट रिलेशन एक्सेलरेशन। अब इसके बाद तो ब्लॉक वर्कआउट, अब क्या करना है? आपको इक्वेशन बनाना है खाली, ठीक? अब इक्वेशन बनाइए। देखिए इधर किसमें टेंशन t है, हमने इसको x1 लिया था तो इसको a1 लेंगे, सुन लिया? और इसकी जगह क्या लेंगे हम? जगह a2, ठीक? अब स्मॉल m टेंशन t अपवर्ड लेंगे, ठीक? बॉडी का वेट ऑलवेज डाउनवर्ड होगा और अब बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इक्वेशन मेकिंग। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं? मोशन के बेसिस पर। कैसे बनाते हैं? मोशन के बेसिस पर। यदि ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, क्लियर है? अब बना कर लोगे आगे सॉल्व? मेन तो कांस्टेंट था, ठीक? अब इस पर निकाल लो, निकालना होता निकालिए, निकालिए। देखो आप लोग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ 30 सेकंड का टाइम हो गया, हो गया। हाँ चलो कर रहा हूँ, करो। देखिए तो हमने अभी क्या सॉल्व किया है, a1 इज कंस्टेंट से हमने ये ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या है? यदि हम इसका एक्सेलरेशन a ले लें तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दिख रहा है a1 इक्वल टू 3a2। हम इसका एक्सेलरेशन a लेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? थ्री टाइम्स हो जाएगा ना, थ्री टाइम्स। समझ आ रहा है? अब इक्वेशन बनाते हैं, चलिए। तो लिखिए फ्री बॉडी डायग्राम, मैं अलग से इक्वेशन, फिगर, फ्री बॉडी डायग्राम फिगर को तोड़ लीजिए। एम जी टी किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? इस वन स्मॉल एम, स्मॉल एम की बात हो रही है। यहां चुका है? हाँ जी। तो इक्वेशन क्या बनेगा आप बोलो? यदि ये ऊपर जाता है तो लेफ्ट वाला नीचे आएगा, ठीक? क्लियर है? अब हम नेट फोर्स निकालिए, नेट फोर्स निकाल लेते हैं इस ब्लॉक पे, स्मॉल एम पर। नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम ब्लॉक, स्मॉल एम ब्लॉक टी माइनस स्मॉल एम जी। क्यों किया हमने ये? क्यों किया हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमने ये माना स्मॉल एम ब्लॉक मूविंग अपवर्ड्स, इसका मतलब टेंशन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इट्स वेट, टेंशन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इट्स वेट। क्लियर है? क्योंकि ब्लॉक ऊपर तभी जाएगा जब टी की वैल्यू वेट से ज्यादा होगा, टी की वैल्यू वेट से ज्यादा होगा, ठीक? हम नेट फोर्स को क्या लिख सकते हैं? एम ए, फोर्स का यूनिवर्सल फॉर्मूला एम ए टी माइनस स्मॉल एम जी। बहुत इजी मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत इजी। कंस्ट्रेंट कैसे करना है सॉल्व, पुल्ली ब्लॉक की मोशन कैसे लेनी है, सब बता दिया। जेई एडवांस नीट सब कर सकते हो आप, बट रटेंगे नहीं, रट के नहीं पढ़ना है भाई, स्कूल वाले मूर्ख बनाते हैं, ये मत करिए। सीबीएसई के नाम पे लूट चल रहा है, कैंपस के नाम पे, है ना? पढ़ाने को कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बस अच्छा कैंपस, स्विमिंग पूल, ठीक है? उस दिन में सिनेमा हॉल भी खोल देंगे इंडिया में लोग। मिशनरी स्कूल इंडिया में ये चला रही हूँ, स्विमिंग पूल फिर वहां बनते हैं MMS, ठीक है? तो सारी चीजें ये चल रही है। हाँ, MA इज इक्वल टू टी माइनस MG, क्लियर है ये?
अब आ जाइए फिगर में, इस ब्लॉक को ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा, अपने को पुल्ली उल्ली से मतलब नहीं है, अपने को किससे मतलब है, अपने को इस ब्लॉक से मतलब है, इस ब्लॉक से ध्यान देखो, ये टेंशन जुड़ा हुआ है, दिख रहा है टी, ये लिखा हुआ है, ठीक, ये पुल्ली भी जुड़ी हुई है इस ब्लॉक से, ये देखो, तो यहाँ पे टेंशन क्या है, टी टी टू टी, यहाँ गलती होती है, तो नेट टेंशन यहाँ भी कितना आएगा, मैं इस डायग्राम को अलग से बना रहा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, कैपिटल एम, दिस वन, ये घिपनी पुल्ली है पुल्ली, ये टी है, तो यहां भी टूटी हो गया, टूटी, तो नेट फोर्स यहां पे कितना है, टूटी, तो यहां भी कितना लेंगे, टूटी लेंगे, पता है, तो अब इस ब्लॉक पे वेट तो डाउनवर्ड, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, भार हमेशा नीचे होता है, समझ में आया, मैं जो टेक्निक बता रहा हूं, कंसेप्ट सीखो, फिर यूट्यूब से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन एप्स भी आते हैं वो सब करो, ऑनलाइन क्वेश्चन करो, बुक्स खरीदो, ठीक, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत वैसे भी नहीं है, ऑनलाइन क्वेश्चंस, ऑनलाइन बुक्स मिल रही है, समझ आया, कंसेप्ट बनाओगे तो कहीं से भी सिलेक्ट होगे, और कंसेप्ट नहीं बनाओगे तो कोटा कोठा कहीं भी जाओ कुछ नहीं होना है, आई बात समझ में, कुछ भी नहीं होना है, हमने ये प्रूव किया लास्ट है ना 13-14 ईयर्स में, जो लड़के हमारे यहाँ डिसेंट थे, सिंसियर थे, हम पे विश्वास किए और मेहनत किए, टॉप 10 रैंक तक आ चुकी है नेट में, ठीक है, आगे बढ़िए, 100 के अंदर रैंक भी आ चुकी है स्टूडेंट्स की, IIT में 2000 रैंक भी आ चुकी है, और नया न्यूज तो सुनी हो, श्रेया नासा में गई है, ठीक है, तो आप भी जा सकते हो, नई जनरेशन हमेशा आगे होती है, आप सोच लो, न्यू जनरेशन हमेशा एक स्टेप आगे निकलती है, ठीक है, सचिन ने बनाए रिकॉर्ड, विराट कोहली उससे फास्ट बना रहा है, हालांकि जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं, कंडीशंस अलग अलग हैं, सचिन बहुत बेटर है, लोग एक्सपर्ट्स बोलते हैं, उसकी टेक्निक, उसकी क्लास अलग था, वो बहुत टफ एरा में खेला है, लेकिन विराट कोहली के रिकॉर्ड्स, यदि कोई रिकॉर्ड्स देखेगा, स्टैट्स देखेगा, तब तो विराट कोहली भारी पड़ेगा, क्योंकि वो कम मैचेस खेल के रन बना रहा है, तो न्यू जनरेशन हमेशा आगे होती है, अहेड होती है, ये सब चीज समझनी पड़ेगी आपको, आगे बढ़िए, तो बस नहीं आता है कोई चीज, डरने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट बनाओ, आप डरे तो गए और रटे तो गए, कोई चीज नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, मैथ्स नहीं आती तो यूट्यूब में जाओ, बहुत सारे आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस करो, सीखो, प्रैक्टिस करने से सब बनेगा, आज कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, हाँ देखिए, तो अब इक्वेशन क्या हो गया, अब आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई इस पे 3T टेंशन है, टी टू टी 3T, और वेट कितना है, बट ध्यान रहे, लेफ्ट वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा था, ओ भाई ऐसा नीचे, सॉरी 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 नीचे जा रहा था, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना, नहीं नहीं नीचे ये जाएगा, स्मॉल एम वाला, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं टेंशन ज्यादा है ना, ऊपर जाएगा भाई, चेक कर लो दी गलती हुई, ये 3T है ना, ना ना कंस्टेंट क्या आया है, A1 = -3A2, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा ना, हमको हमने पहले इक्वेशन बनाया, पहले हमको नहीं पता था कौन कहाँ जा रहा है, अरे बेवकूफों नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, पहले हमने क्या मान के सॉल्व किया, हमको कुछ नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन इक्वेशन आने के बाद तो क्लियर हो गया ना, कैपिटल एम ब्लॉक में कितने टेंशन है, 3 टेंशन है, ये ऊपर जाएगा, चलो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, क्लियर हो गया, हाँ जल्दी करो, हाँ अब इक्वेशन क्या बनेगा बोलो, एक इक्वेशन भी बन गया, निकलो तो मिस्टेक हुई है इसमें, एफ नेट स्मॉल एम ब्लॉक पे करेक्शन कर लीजिए, MG - T इक्वेशन वन, ठीक है, MG - T करेक्शन कर लो भाई, सुधार कर लो, ठीक है, अब आते हैं किस ब्लॉक पे, कैपिटल एम पे, कैपिटल एम पे ये क्या है 3T है, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा,
ऑन कैपिटल एम 3t माइनस कैपिटल एम जी ऊपर जाएगा, यदि ये ऊपर जाता है तो 3t माइनस एम जी होगा, समझ आ रहा है। एम ए एफ नेट को क्या लेंगे, एम ए, ठीक, 3t माइनस एफ जी, रुक जाओ अभी गलती मत करना, इसका एक्सेलरेशन a2 लिया और इसका a1 लिया, ध्यान होना चाहिए। और रिलेशन क्या आया था, ए वन इक्वल टू माइनस 3a। अब सुनो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यदि ए वन, ए वन जो भी लोगे वो ए टू का ट्रिपल होगा, ठीक रहा है, माइनस का मतलब तो डायरेक्शन है। तो अब सपोज कर लो ए वन को यदि आप क्या लेते हो, ए टू को, देखो सपोज ए टू को यदि आप ए लेते हो तो a1 क्या लोगे, 3a लोगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट से हमने प्रूफ किया ना, इक्वेशन बनाया, बोलो। और या फिर मत लो, ऐसा मत लो, कोई इशू नहीं है, a1 ही रहने दो, इसको a2 रहने दो, a1 की जगह क्या पुट करोगे, 3a2, माइनस मत लेना, माइनस केवल ये शो करता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, खत्म हो गया है। बस अब दोनों इक्वेशंस को बना लीजिए, दोनों इक्वेशन को बना, मेन कंस्टेंट है बॉस, बाकी चीजें तो इजी है, वो तो आप कर लोगे। बोलिए क्लियर हुआ, ट्रिकी टेंशन क्यों आया, क्लियर हो गया, समझ आ गया है 3t क्यों आया। तो इस तरह से लेंथ कांस्टेंट मेथड सॉल्व करते हैं, लेंथ कांस्टेंट मेथड, डरना नहीं है, पूरे सिस्टम में आपको लेंथ लेना है, हर पार्ट का, हर सेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट लेना है, सबको जोड़ देना है, टोटल लेंथ हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। फिर उस फिगर में देखिए कि कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट या लेंथ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, x2 है, x2 है, बट ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यहां से रिलेशन निकल गया, a1 इज इक्वल टू माइनस 3, दैट्स इट। तो मेन है इक्वेशन मेकिंग, ठीक है, चलिए इसके आगे और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।